नमः शिवाय। भाद्रपद मास मंगलवार कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि पूरे दिन शाम 8:30 बजे तक लगी रहेगी। तत्पश्चात तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शाम 5:30 बजे तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी शनिदेव हैं। चूँकि पूरे दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ही लगा रहेगा, इसलिए प्रत्येक जातकों पर बृहस्पति के नक्षत्र का प्रभाव ही सबसे ज़्यादा बना रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में सुबह 10:40 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज अद्भुत संयोग है, आधे दिन चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे मगर राशि शनि की रहेगी। तत्पश्चात चंद्रमा शनि के नक्षत्र में रहेंगे मगर राशि बृहस्पति की हो जाएगी। अतः पूरे दिन बृहस्पति और शनि का मिला जुला प्रभाव प्रत्येक जातकों पर पड़ता रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए विश्लेषण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सामंजस्य बिठाने की क्षमता में विकास होगा। प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात और सरकारी कामकाज से लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। संबंधित मामलों में अनावश्यक खर्च और यात्रा भी संभावित है। निजी संबंधों में सुधार और पारिवारिक मामलों में सौहार्दपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। वैवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रयास जारी रखें। वृष राशि के जातकों के लिए चली आ रही मानसिक उलझनें समाप्त होंगी। मार्गदर्शक की भूमिका निभाने वाले सम्मानित व्यक्तियों से उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा। कार्य योजनाओं का विस्तार होगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। धन संबंधी मामलों में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अपने निजी संसाधनों और संतान संबंधी दायित्व पर आत्मसंतुष्टि मिलेगी, मगर आपके प्रयासों, कार्यशैली और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव भी संभावित है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि के जातकों की बौद्धिक क्षमता विकसित होगी। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा और न्यायिक प्रक्रिया में सरकारी सहयोग मिलता रहेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और मानसिक स्तर पर अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और व्यावसायिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता के संकेत मिलते हैं, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और विभागीय मामलों में विकास का संकेत मिलता है। अधिकारियों का सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा लाभ दिलाएगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अतिरिक्त कार्यभार को बखूबी निभाने में सफल रहेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और अतिरिक्त लाभ के नए अवसर दिखाई पड़ेंगे, मगर निजी रिश्तों में तनाव संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। सिंह राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और विकास के नए मार्गों का सृजन होगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव लाभदायक सिद्ध होंगे और साझेदारी सफल रहेगी। सरकारी कामकाज में रुचि बढ़ेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, मगर कुछ कामों में रुकावट का संकेत मिलता है और संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में सावधानी बरतें और वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। सकारात्मक प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की तत्परता बनी रहेगी और विकास के नए मार्ग विकसित होंगे। आपका दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति हर काम को सरल बनाने में सक्षम होगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वैवाहिक मामलों में सफलता का संकेत मिलता है और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जटिलताएं संभावित हैं। मौसम संबंधी सावधानी
सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, सकारात्मक प्रयास जारी रखें। तुला राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में अनावश्यक खर्च और अड़चनें संभावित हैं। हालांकि सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी, आवश्यक संसाधनों में वृद्धि होगी और विकास के नए मार्ग मिलेंगे, मगर चंद्रमा के छठवें चलने से कुछ मामलों में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव संभावित है और कार्य क्षमता प्रभावित होगी, मगर आर्थिक लाभ के अवसर मिलते रहेंगे। पारिवारिक प्रेरणा का लाभ मिलेगा, साझेदारी सफल रहेगी, निजी निवेश और पारिवारिक पृष्ठभूमि को मजबूत करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, सफलता संभावित है, प्रयास जारी रखें और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रयासों का दौर जारी रहेगा, मगर वाणी की मधुरता बनाए रखें, रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी, मन मुताबिक काम होते जाएंगे। चंद्रमा के शनि के नक्षत्र और बृहस्पति के नक्षत्र के प्रभाव से कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, परिश्रम की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर नकारात्मक गतियों से दूर रहें। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, साझेदारी के मामलों में सहयोग मिलेगा, संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें, सफलता संभावित है। धनु राशि के जातकों को मेहनत और संघर्ष करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और रुके हुए कामों में सफलता मिलेगी, वाणी की प्रखरता में वृद्धि होगी, अति उत्साहित महसूस करेंगे और स्वाभाविक रूप से काम करने का तरीका बदलेगा। कार्य क्षेत्र में सहयोग जारी रहेगा, आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे और साझेदारी के कामों में भी लाभ संभव है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, मगर कुछ मामलों में मानसिक दबाव महसूस होगा और कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। आय संबंधी संसाधनों में वृद्धि होगी, निजी संबंधों में दबाव महसूस होगा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि के जातकों का ऊर्जा स्तर बढ़ा रहेगा और हर काम में अनुशासनशीलता और प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र में सहयोग जारी रहेगा और नए अनुभव के साथ नए प्रस्तावों को लागू करने में सफल रहेंगे। संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है, भाग्यवश काम पूरे होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ की निरंतरता बनी रहेगी, मगर खर्च की स्थिति भी संभावित है। संतान संबंधी कार्य पूरे होंगे और पारिवारिक माहौल खुशनुमा महसूस होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों के भाग्यवश काम अच्छे होंगे और अचानक धन लाभ की संभावना बनती है, वाहन जमीन इत्यादि निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, व्यवसाय संबंधी मामलों में यात्रा का योग बनता है, साझेदारी लाभदायक रहेगी, पारिवारिक प्रेरणा से सहयोग मिलेगा। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाद विवाद और विरोधियों की साजिश से बचें, किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, सकारात्मक प्रयास जारी रखें। मीन राशि के जातकों के लिए दोपहर तक की स्थिति अनावश्यक भागदौड़, अपव्यय, अनचाही यात्रा और आत्मविश्वास में कमी वाला बना रहेगा, मगर दोपहर बाद आर्थिक सहयोग बना रहेगा, लाभ के नए अवसर सामने आएंगे और कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे, नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे, पारिवारिक प्रेरणा से लाभ में वृद्धि होगी, मगर नकारात्मक विचारों से दूर रहें, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, प्रयास जारी रखें, स्वास्थ्य संबंधी सुधार होगा, साझेदारी सफल रहेगी और रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।